YouTube में 1,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हो बस एक फोन और एक ट्राइपॉड स्टैंड के साथ। ये वाला एडजस्टेबल है, इसको आप बिगिनर्स के लिए वीडियो क्वालिटी अच्छा होने के लिए आपका वीडियो को स्टेबल होना पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है। Good morning guys and happy Sunday. Welcome to my channel Poo Vlogs. I am Pooja. You have to be happy about your name every single day because life is short. क्यों इतना नेगेटिव सोचे, क्यों इतना दुखी रहे, लाइफ के छोटे छोटे चीजों में भी खुश होना सीखिए। एज प्रॉमिस मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरा जुगाड़ वाला स्टूडियो टूर। यस, क्योंकि आजकल इंटरनेट सुपर फास्ट है, सबके पास है, सबके पास फोन है, कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि यूट्यूब चैनल खोल लूँ क्या। तो यूट्यूब चैनल खोलने का पहले हाँ मुझे लैपटॉप चाहिए, कैमरा चाहिए, मुझे नया फोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इतना कुछ खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू कि मिनिमम कम से कम चीजों में आप अपना छोटा सा प्यारा सा स्टूडियो कैसे सेटअप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओ हाँ, वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम आईडी मेरा है पू व्लॉग्स, इंस्टाग्राम आईडी में मुझे फॉलो कर सकते हो। यस, वहां मैं आजकल मैं रील्स डाल रही हूँ थोड़ा, तो देख सकते हैं आप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। हाथ दर्द हो गया। सो गाइस, ये है मेरे स्टूडियो और मेरे बेडरूम और मेरे डॉगीज का बेडरूम, सब कुछ ऑल इन वन। उसका दरवाजा है, 1,000 साल पुराना है ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है ब्रिटिश के जमाने का। सो हियर इज माय नानू कोको। क्या कर रहा है? वीडियो शूट करना हमको, वीडियो शूट कर, हट जाओ, एम्बैरेसिंग है, जल्दी हटो, जल्दी, शर्म शर्म शर्म, लोग क्या सोचेंगे, जल्दी नीचे नीचे नीचे, गुड गर्ल, चलो चलो चलो, भागो भागो, कोको कोको, यार चलो कोको को रहने दो। सो गाइस, ये है मेरा रूम एंड स्टूडियो। सो जो हमारा एक्चुअल वॉल है वो इस तरह दिखता है, लेकिन वॉलपेपर लगाने के बाद वो दिखता है ऐसा। वाओ, देखिए वॉलपेपर ने पूरा रूम का लुक ही चेंज कर दिया, बट बजट का प्रॉब्लम है। सो गाइस, जहाँ तक दिखता है उतना तक ही आप लगाओ, क्योंकि ये साइड दिखेगा भी नहीं, अभी दिख रही हूँ क्योंकि एकदम रॉ फुटेज आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने ऑर्डर किया था ये वॉलपेपर, उसके बाद मैंने ऑर्डर किया, देखे तो कलर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ऐसे दूर से देखो तो पता नहीं चल रहा। हाँ तो कुछ ऐसा, ये भी खराब हो गया लग रहा है, बैटरी डाउन हो गया। पी फॉर पू व्लॉग्स। सो ये एक वॉल है और बजट प्रॉब्लम हो गया, सो ऊपर तरफ में नहीं लगाया है, जबकि कैमरा का फोकस यही तक रहता है। वॉलपेपर बहुत ही कम में आते हैं, अमेजोन में 99 रुपीस करके आता है एक रोल का। अगेन दूसरे साइड के वॉल में मैंने लगाया है ये वाला, बहुत ही भड़कीला है, लेकिन चलो ठीक है। एक छोटा सा रूम पे गाइस दो सेटअप हो गया मेरा, एक वॉलपेपर अगर पसंद ना हो तो मैं चेंज कर दूंगी, इसे लगाऊंगी। सो पॉइंट नंबर 2, साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी। सबसे पहले आता है साउंड क्वालिटी, लेकिन साउंड क्वालिटी के लिए माइक चाहिए। तो अगर आपका फोन अच्छा है तो माइक की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोन साउंड को अच्छे से कैप्चर कर लेगा। सो थैंक गॉड कि मेरा फोन थोड़ा ठीक है, इट्स नॉट एन एप्पल फोन, लेकिन सैमसंग का है, अच्छा है। नेक्स्ट है वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी अच्छा होने के लिए आपका वीडियो को स्टेबल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं हिलना पड़ेगा। उसके लिए आपका फोन को एक जगह में फिक्स होना पड़ेगा, जिसके लिए चाहिए हमें ट्राइपॉड स्टैंड। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये है मेरा ट्राइपॉड स्टैंड, 250 से शुरू होता है, आई गेस 250-200 से आपको मिल जाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है, अभी मैंने थोड़ा अपग्रेड किया है, इसका शायद 499 है। पहले मैंने यूज़ किया था 250 वाला, तो वो टूट गया मेरा, तो मैंने थोड़ा मजबूत वाला मंगाया। लेकिन एक बार से आप छोटा वाला यूज़ कर सकते हो, एक बार से इतना कॉस्टली वाला मत मंगाइए। इसके साथ जो होल्डर आता है वो इतना अच्छा नहीं है, ये मैंने अलग से मंगाया, इसका है 200 रुपया। अलग से क्यों मंगाया, क्योंकि वो जब फ़ोन लगाती हूँ मैं यहाँ पे तो फ्लेक्सिबल नहीं है वो, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है और बहुत लूजली पैक हो जाता है, तो अच्छा है ये फ़ोन के लिए, फ़ोन भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे कंपास भी है, वही दो ट्राइपॉड स्टैंड है मेरे पास, एक ये वाला है जो मैंने रिसेंटली लिया है, ये वाला एडजस्टेबल है, इसको आप ये मैंने अभी क्यों लिया, क्योंकि बड़े वाले ट्राइपॉड स्टैंड का एक लिमिट है, ये बहुत नीचे नहीं जाता है, तो मुझे खाना का क्लोजअप लेना होता है, नहीं ले पाती, इसीलिए मैंने ये छोटा वाला ट्राइपॉड स्टैंड लिया है। ट्राइपॉड स्टैंड को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अगर कहीं फिक्स करना हुआ तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वन इज वेरी नाइस। स्टेबिलिटी तो हो गया, अभी चाहिए कि बेटर लाइटिंग, जितना हो सके आप डे लाइट में शूट करिए,
और अगर रात में आपको शूट करना बहुत जरूरी पड़ रहा है तो यू नीड अ लाइट. ज्यादातर लोग लेते हैं रिंग लाइट से भी अच्छा लाइट दिखाती हूँ आपको, छतरी वाला लाइट. ये देखिए, अगर मेरे रूम पे आपको कहीं भी वॉलपेपर आधा नजर आए तो सोच लेना थोड़ा बजट प्रॉब्लम हो गया. ये जस्ट स्टैंड है, लाइट मैंने खुद से खरीदा है तो ये और भी लंबा होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है. स्पेशल छाता है, आप अलग से नहीं खरीद सकते, इसी के साथ मिलता है 1200 में या 1100 में. तो रिंग लाइट का भी उतना ही प्राइस होता है. तो रिंग लाइट के बदले अगर ये लाइट ले लोगे तो ज्यादा ब्राइट होगा. अभी मैं अपने रूम पे वीडियो बना रही हूँ विदाउट द लाइट. अभी लाइट के साथ क्या डिफरेंस होगा देखिए. हाँ देखिए, अभी लाइट के साथ बहुत ब्राइट हो गया है और बहुत फ्रेश फील हो रहा है. बिना लाइट के, ब्राइट लाइट के साथ व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. सो लाइट अभी मैंने इस साइड रखा है, आप इस साइड रख सकते हो, उस साइड रख सकते हो, कहीं भी साइड रख के तब आपका एंगल आप मिला सकते हो. लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है, ये ऐसा दिखता है, वेरी प्रोफेशनल एट द सेम टाइम बहुत ही कम प्राइस में. वीडियो सब शूट हो जाने के बाद एडिटिंग कहाँ करती हूँ वो दिखाती हूँ. क्या फनी सीन हो गया ये. कोको देखो तुम क्या कर रहे हो. अभी मुझे पता चला कि मेरा बेडरूम, डॉगीज का रूम, मेरा स्टूडियो और मेरा एडिटिंग रूम भी यही है. आंखें बहुत दर्द हो जाती है एडिटिंग करते करते. सो चश्मा एक लिया है, डियर फ्रेंड इसके ऊपर बैठ गई थी तो अच्छा खासा चल रहा था. अभी ये साइड का भी सब मतलब बस ऐसे ही चल रहा है. अभी दादाजी बोल रहे हैं कि चश्मा ला दो. अभी खुद का चश्मा नहीं खरीदा है, दादा चश्मा चिल्ला रहा है. सो उनके लिए भी लेना पड़ेगा. देखते हैं क्या होता है. वीडियो आप देख लेते हो खूब मजे के साथ, वाओ वो वीडियो क्या बनाया, क्या खाया है, क्या बढ़िया. लेकिन उसके पीछे क्या काम चलता है देखिए. ऐसा एडिटिंग होता है और एडजस्ट करती हूँ मैं. कभी कभी भूल जाती हूँ कि चश्मा टूट गया है तो नीचे देखती हूँ तो चश्मा गिर जाता है, इसलिए कभी कभी टॉयलेट में भी गिर जाता है. तो वो तो सीक्रेट क्या बता दिया. जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तब मेरे पास ये सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जस्ट एक सेल्फी स्टिक और एक फोन. कई लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग से हाई क्वालिटी कैमरा और ट्राइपॉड स्टैंड, लाइट्स वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन हर किसी के पास ये नहीं होता. लेकिन दुखी नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो आपके पास सिर्फ एक फोन चाहिए और सिर्फ एक सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड स्टैंड, उससे आप अपना पूरा चैनल चला सकते हो. अभी तक मेरे पास कैमरा नहीं है, ना ही मेरे पास आईफोन है. सो मम्मी पापा को बहाना नहीं करना है कि यूट्यूब वीडियो चाहिए, आईफोन खरीदो मेरे लिए. आईफोन का कोई जरूरत नहीं है. जितना भी मैंने आपको छोटा मोटा सेटअप दिखाया है वो मैंने एक बार से नहीं लिया है, एक बार में एक चीज मैंने खरीदा है. जब तक आपके मॉम डैड आपको देख रहे हैं, आपको पाल रहे हैं, तब तक ठीक है. लेकिन आप जब अपने घोंसले से बाहर निकलोगे तो 50 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल का काम है गाइस. और ये 250 है एंड आई लव इट, क्योंकि ये मेरा मेहनत का कमाई. इमोशनल. और कोई आपको डाउट्स है स्मॉल स्टूडियो सेटअप के लिए तो कमेंट करिए, कमेंट में मुझे पूछिए, मैं जरूर आंसर दूंगी. अभी मैंने बेड साफ किया कोको, थोड़ा तो तरस खाओ मेरे ऊपर. कोको कोको इतना प्यारा लग रहा है आज टिकनी बांध के. नानुम जब भी खुशी होते वो ऐसा करता है. नानुम तुमको शर्म नहीं है कि इतना बुरी हो गया. ची मेरा डीमोनेटाइज हो जाएगा ये मेरा चैनल तुम्हारा वजह से. कोको लो तुम्हारा फेवरेट गाजर. स्पेशल डिनर. ओके सो मेरा डिनर रेडी है, क्योंकि आज आप लोगों को स्टूडियो का टूर दिखाया और खाने के बिना व्लॉग अधूरा है, इसीलिए डिनर मुकबांग. तो आज डिनर में है गाजर, वाइल्ड पत्ता बॉयल, पीता बैंगन. ये एक वेराइटी ऑफ बैंगन है जो कि कड़वा होता है टेस्ट में, लेकिन बिटर स्वीट टेस्ट होता है. चिकन करी शुरू करते हैं. आप भी अगर खाना नहीं खाया तो खाना ले लो. और क्योंकि आज संडे का डिनर, तो संडे के दिन में आई ऑलवेज नीड समथिंग स्पेशल.
गरम। जो यहाँ का लोकल फूड है ऐसा बॉयल सब्जी, जंगल का सब्जी वगैरह, मीट, वो चैलेंज देखने फॉर 24 आवर्स, तो कमेंट करिएगा जरूर। खाना खाने के समय आपका मुंह आवाज करता है क्या? ऐसा ऐसा तो बहुत मजा ले लेके खाता है, लेकिन अगर पब्लिक प्लेस में ऐसा खाएगा तो थोड़ा एम्बेरेसिंग हो जाएगा, इसीलिए मुंह बंद करके खाओ। ऐसा अगर मुंह खोल के खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वो साउंड अच्छा नहीं लगता हर किसी को। आज का वीडियो कैसा लगा लेकिन जरूर कमेंट करिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो आपको रेड सा बटन नजर आ रहा है सब्सक्राइब, उसको क्लिक करिए, एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय। वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल। ये क्या है? द नेम पूजा। खुश होना सीखना पड़ेगा।